So, all my dear students, once again a very good morning to all of you, and I have been back with the same chapter, lesson 1, chapter 1, and today hopefully I shall complete this lesson. और इसके जो question answers होंगे वो आपको following next day जो भी अगला दिन आपका आएगा उसमें मैं आपको इसके question answers भी आप तक पहुँचा दूँगा. जो ये चैप्टर है यहाँ से आज मैं पैरा शुरू कर रहा हूँ. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पीसोस. अब देखिए जो स्टोरी थी वो तो आपको पता चल गया है कि एक लेटर जो कि भगवान को लिखा गया, उस भगवान ने कुछ पैसों की मदद मांगी गई. अब एक ऐसा एड्रेस जो कि पोस्ट मास्टर को भी पता है कि ये वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही उसने लेटर को ओपन करा तो जो उसमें लिखा था, उस खत का जो मतलब था वो कुछ ये था कि अगर भगवान ने मदद नहीं करी, और ये फेथ था कि अगर भगवान ने मदद नहीं करी तो हम तो भूखे मर जाएंगे, तो ये फेथ था जो उस लेंचो ने जो है खत को लिखा, और खत को लिखने के बाद उसने मेल बॉक्स में जा करके ड्रॉप करा, और ड्रॉप जब करा तो जो एड्रेस था वो एड्रेस कुछ ऐसा था कि जो पोस्ट मास्टर को नहीं पता था. पोस्ट मास्टर अपने हेड के पास लेकर के आता और हंसना शुरू कर देता है कि बताओ ये खत कहाँ भेजा जाए, भगवान का एड्रेस तो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा और ना ही आपने देखा हो, तो इसको कहाँ भेजा जाए. लेकिन जो उसमें मैटर लिखा हुआ था वो इतना सेंसिबल था कि उसको भी लगा कि नहीं यार, हम लोगों को मदद करनी चाहिए, और उसका जो फेथ है ईश्वर के अंदर, भगवान के अंदर डगमगा ना जाए, तो चलो हम लोग आपस में मिल करके एक एक्ट ऑफ चैरिटी के तौर पर इसकी मदद करते हैं. तो ये चीज़ हुई. अब है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 पेसोस. जो उसने पैसों की डिमांड करी थी, जो उसने रुपए की डिमांड करी थी, उन सब ने जो भी कोशिश करी वो कुछ 60 से 70 रुपए से ऊपर का मामला नहीं हो पाया था, पैसों से ऊपर नहीं हो पाया था. और जो उसकी डिमांड थी वो 100 पेसोस की थी. तो सब मिल करके भी वो उतना नहीं जुटा सके जितना कि उसने डिमांड करी. तो अब आगे क्या होता है जैसे देखते हैं. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, यानी कि आधे से कुछ ज़्यादा उन लोगों ने मिल करके वो अमाउंट जो है वो फार्मर तक भेजने की कोशिश करी. ही पुट द मनी इन, उन लोगों ने पैसे को, यानी कि उन लोगों का मतलब यहाँ पर उसी पोस्ट मास्टर से जिसने ये इनिशिएटिव लिया था कि चलो भाई भगवान के तौर पर या भगवान के रूप में हम लोग उसकी मदद करते हैं और उसको कुछ पैसा भेजते हैं. सो ही पुट द मनी इन एन इन्वॉल्व, उसने क्या करा कि उसने पैसे को एक इन्वॉल्व में अंदर रखा, और रखने के बाद उसने एड्रेस करा लिंचो को, जो कि लिंचो को एड्रेस करने का मतलब उस पोस्ट मास्टर का नहीं था, वो तो भगवान की तरफ से कर रहा था. तो उसने लिंचो का के एड्रेस को देखते हुए उसने लिंचो को एड्रेस करा, एंड विद द लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर राइट गॉड, और एक सिग्नेचर के तौर पर उसने गॉड जैसा वर्ड जो था वो लिख करके छोड़ दिया था, ताकि उसको लगे कि ये जो पैसा आया है ये भगवान की तरफ से सीधे आया है. कहते हैं द फॉलोइंग संडे, राइट, अगले संडे लिंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. अब हुआ क्या कि वो जो लिंचो था, वो लिंचो द फॉलोइंग संडे लिंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल राइट टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. तो संडे को फॉलो करते हुए, राइट, फॉलोइंग संडे में लिंचो का जो है वो थोड़ा सा जल्दी आना होता है, और वो जो है उसी पोस्ट मास्टर या उसी पोस्टमैन से जाकर के पूछता है अपने लेटर के बारे में, जो उसको उम्मीद थी कि भगवान जरूर उसका जवाब कहीं ना कहीं देंगे. इट वॉज अ पोस्टमैन, ये वही पोस्टमैन था जो जिसने खुद उसको वो जो लेटर था, लेटर का मतलब जो इन्वोलोप था, जो पैसे से भरा हुआ था, राइट, वो उसने उसको जो है वो हैंड ओवर करा. आप देखिए हुआ क्या कि वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. अब ये जो था, ये मामला जो था कुछ इस तरीके का था कि पोस्टमैन को लगा कि ये एक बड़ा सेटिस्फैक्शन का मामला है जो उन लोगों ने काम किया है, और वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो है वो ऑब्जर्व करना चाह रहे थे.
कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, राइट। तो फिर से यहाँ से देखते हैं, इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। ये पोस्टमैन था जिसने खुद जो है वो लेटर को, उस लेंचो को हैंड ओवर करा, वाइल द पोस्ट मास्टर, राइट, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर क्या थे, वो एक्सपीरियंस कर रहे थे अपने ही ऑफिस में बैठ करके, जो एक कंटेंटमेंट था, जो एक सेटिस्फैक्शन था एक आदमी का, जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, किसी की सेवा करें तो आपको कितना अच्छा लगेगा। जैसे हम अपने बच्चों से कभी कभी बोलते हैं कि भाई पानी पिला दो, तो जब वो पानी लेकर के आते हैं तो अपने अंदर बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो बच्चे आज के वक्त में काम तो आ रहे हैं, राइट। तो वो अपने ऑफिस से बैठे बैठे एक सेटिस्फेक्शन जैसी चीज़ जो कि एक इंसान के अंदर हो सकती है दूसरों की मदद करने के बाद, उसको वो कहीं ना कहीं फील कर रहा था। लेंचो, अब उसने वो जो लेंचो था उसने उस पैकेट को इन वो लोग को खोला, तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। यानी कि जो लेंचो है, लेंचो ने थोड़ा सा सरप्राइज तरीके से पैसे को देखा, सरप्राइज, स्लाइटेस्ट का मतलब स्लाइट का मतलब था थोड़ा सा अजीब तरीके से, थोड़ा सा स्लाइट तरीके से उस सरप्राइज मतलब भरी निगाहों से उसने पैसे को देखा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस इस तरीके का था, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। और थोड़ा सा उसको तो ये उम्मीद थी कि भाई भगवान ने भेजा तो पूरे ही भेजा होगा, आधा तो नहीं भेजेगा, उसका कॉन्फिडेंस था, लेकिन हल्का सा पैसा देखने के बाद उसको सरप्राइज जैसा कुछ फील हुआ, उसको अजीब सा कुछ अचंभा उसको लगा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्से में तब आया जब उसने पैसों को काउंट करा। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लिंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो ये रिक्वेस्ट करेगा, राइट। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लिंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लिंचो को मना करेगा जो उसने उससे भगवान से रिक्वेस्ट करी थी पैसे की, मतलब पैसे की रिक्वेस्ट को भगवान मना भी नहीं करेगा, और भगवान इतनी बड़ी भी गलती नहीं करेगा कि उससे 100 पैसों की हमने डिमांड करी तो उसने 60 से 70 भेज दी, ऐसा कैसे हो सकता है। इमीडिएटली लिंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इमीडिएटली यानी फौरन जो है लिंचो जो है वो विंडो के पास जाता है, फिर वही पेपर और इंक को मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर पब्लिक जो है वो लिखती है, जो टेबल पर लिखती है, राइट, वहीं पर बैठ करके वो लिखता है विद मच रिंकलिंग ऑफिस ब्रो, जो बिल्कुल नाक मुंह सिकोड़ करके बड़ा गुस्से में वो लिखता है। कॉज बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी कि ये सिर्फ अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का जो एक मामला था, जैसे होता ना कि जब कोई चीज़ आप पसंद ना करें तो आपकी नाक मुंह भवें सब बिगड़ने लगती हैं, अजीब सी रिंकल आने लगती है, यू नो आपके माथे पर चाहे हों, यू नो भवों पर हों, तो एक अजीब सा जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन आ जाता है। व्हेन ही फिनिश, जब उसने फिनिश कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया टू बाई ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदा। व्हेन ही लिक, जिसको उसने लिक करा यानी कि थूक लगा करके उसने लिकिंग करा, एंड देन अफिक्स, और फिर उसको फिक्स कर दिया, कहाँ कर दिया, इनवोलोप पे, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी कि फिस्ट का मतलब होता है जैसे आपकी मुट्ठी होता है ना, कि जैसे आप उसको यू नो कोई हिस्सा जिसको आपको पेश करना तो उसको आप दबाते हैं, फिस्ट से दबाते हैं, राइट, तो ऐसे उसने इनवोलोप को फिस्ट से दबा करके उसने कहीं ना कहीं जो है वो बंद कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जाता है और उसको खोलता है। इट सेड, और उसमें क्या था देखो, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, भगवान जो मैंने तुमसे पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोस रीच मी, सिर्फ 70 ही मेरे तक पहुँचे, सेंड मी द रेस्ट, मेरे को बचा हुआ भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, जबकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट यू डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसको मेल के जरिए मत भेजिएगा। क्यों नहीं भेजिएगा, अगर आपको भेजना तो डायरेक्टली भेजेगी जैसे आपने पोस्टमैन। अब देखिए उसका फेथ क्या था, उसका फेथ भगवान पर तो उतना ही था, उसको ये लगा कि इन लोगों ने जो पोस्टमास्टर थे, जो पोस्टमैन थे, इन लोगों ने कहीं ना कहीं पैसे निकाल लिए, चीटिंग करी मेरे साथ, तो वो कहता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि उस पर मत भेजिएगा। किस पर, जो मेल बॉक्स है उसके थ्रू मत भेजिएगा, पोस्टमैन के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्टमैन ऑफिस, जो पोस्टमैन के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, ये बहुत ही वाहियात, बहुत बदतमीज़ हैं। तो ये लिंचो ने भगवान को कहा कि अब अगर आपको पैसे भेजना है तो डायरेक्टली भेजिएगा पोस्ट
मैन के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि मुझे तो डाउट है कि वहाँ जो एक पूरा का पूरा बंच है, एक पूरा का पूरा कुनबा है, क्रुक्स का मतलब ऐसे वाहियात बदतमीज लोगों का, जो वहाँ के कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ हैं, जो ये काम कर सकते हैं कि आपने भेजे अगर 100 हैं तो मेरे को 70 मिले हैं, तो अब आप डायरेक्टली आप मेरे को भेजिएगा। तो इस बात को उसने दोबारा अपने ख़त में लिखा। अब आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नोबडी नोज अबाउट इट, बट ये है कि आप जब पर भी किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आपको उसकी हर चीज़ बुरी लगती है, जबकि शायद उसको ये नहीं पता था कि जो पैसा आया है वो वहीं के एम्प्लॉयज़ ने आपस में जोड़ करके इस अमाउंट को उस तक भेजा था, विच वॉज़ अ काइंड ऑफ एक्ट ऑफ चैरिटी, जो तरीके से अपने आप में एक एक्ट ऑफ चैरिटी था, जो वो रियलाइज़ नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ को ख़राब ही समझ जाता, और वो इस वजह से ख़राब समझ जाता कि वो उसका एक्सपीरियंस क्या था, जब वो पहली बार पहुँचता है और जब भगवान का उसमें पता डाल करके, ईश्वर को डाल करके वो एड्रेस करते हुए जो है वो ख़त भिजवाने की कोशिश करता है, तो जिन लोगों ने भी उसका जो है रेसिपेंट का एड्रेस देखा तो वो जो है एक तरीके से हंसना शुरू कर देते हैं, मुस्कराना शुरू कर देते हैं, तो वहीं से उसको उन पर डाउट पैदा हो जाता है। लेकिन असल जो मदद थी वो तो मदद उन्हीं लोगों ने पहुंचाई थी जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, जिनको ये बंच ऑफ क्रुक समझ रहा था। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।